सब गोलमाल है, भैया गोलमाल गोलमाल, अरे सब गोलमाल है। चाचा डायलॉग शुरू करो। ओए गद्दार, ओ तुमने हमारे ही साथ रह के हमसे गद्दारी की, वो पिठ पीछे वार किया, हम तुझे छोड़ेंगे नहीं। ओ मिमिक्री, तुम्हारा 50 रुपए का नुकसान कर दिया। कट कट कट। ओहो भल्ला जी, आप अपने कैरेक्टर में रहो। चाचू क्या कर रहे हो, कहाँ तीर जला रहे हो आप? चाचा आप रिहर्सल अच्छे से करो, नहीं तो मेरा प्ले खराब हो जाएगा। थोड़ा कैरेक्टर में आओ, फोकस करो, फोकस। ओए गद्दार, ओ तुमने हमारे ही साथ रह के हमसे गद्दारी की, ओ पिठ पीछे वार किया, हम तुझे छोड़ेंगे नहीं। ओ पहलवान रहने दे, ये राजा बनना तेरे बस की बात नहीं। शांत चाचू शांत, ये वक्त गुस्सा दिखाने का नहीं है। ओ एक भैंस की पूंछ, ओ मैं तुझे छोड़ूंगी नहीं। हम ठीक स्टेज के ऊपर हैं, यहाँ हमें कोई नहीं देख पाएगा। ये ड्रामा तो सीरियस से कॉमेडी बनता जा रहा है। रुक जाओ चाचू। चाचू चाचू आप ठीक तो हो? मुझे मारने चला था, खुद ही बेहोश हो गया। जिंजे, मुकुट वहाँ गिरा है, इससे पहले कि कोई उसे देखे हमें मुकुट को वहाँ से लेना होगा। कानून के हाथ और बंदूक की लात से कोई ना बच सके है। के किसी ने यो मुकुट देखा है, है? ये राजा महाराजा के ड्रामा में पुलिस कहाँ से आ गई? ओए बंद करो ये ड्रामा शामा, फंटूश नगर का पुश्तैनी मुकुट चोरी हुआ से। ढोलकी, इस मुकुट को पहनकर मैं फंटोश नगर का राजा लग रहा हूँ। जिंजे मुझे भी देखने दो, मैं इस मुकुट में कैसा लगता है। ढोलकी छोड़, ढोलकी नहीं जिंजे। जिंजे हमने तो अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मार ली। हमारे हाथ में चाचा का नकली मुकुट आ गया है और हमारा चुराया हुआ असली मुकुट चाचा के सर पे है। असली मुकुट भले ही हमारे हाथ से चला गया हो, अब इस मुकुट को चुराने का इल्जाम हम चाचा के सर पे लगा देंगे। फिर बंदूकनी चाचा को चोर समझकर जेल में डाल देगी और हमारे रास्ते का सबसे बड़ा कांटा
दूर हो जाएगा। मैं जानती हूँ चोर यही कहीं छुपा सा है। किसी ने कुछ देखा के? हमने देखा, ये रहा मुकुट चाचा के सर पर, यानी मुकुट चाचा ने चुराया है। पुलिस जी, आप इसे गिरफ्तार कर लीजिए। आप लोगों को कोई गलतफहमी हुई है, ये तो कागज का बना हुआ नकली मुकुट है। ओ यो कोई कागज का मुकुट ना से, असली सोने का मुकुट से। एक सेकंड बंदूकनी जी, ये चोरी आज हुई है और आज तो चाचू हम सब के साथ सारा दिन ड्रामा की प्रैक्टिस कर रहे थे। हम सब इसके गवाह हैं, तो फिर चाचू कैसे चोरी कर सकते हैं? भतीजे, और थारी बात तो सही से, वो चोरी कर ही नहीं सकता। पुलिस जी, ये देखिए, मुकुट में से मणि गायब है। मुकुट ना सही, चाचा ने मुकुट से मणि जरूर चुराई है, जिसकी कीमत इस मुकुट से भी ज्यादा है। माफ करना चाचे, मणि चुराने के जुर्म में मन्ने तुझे गिरफ्तार करना ही होगा। ओए बंदूकनी जी, मैंने तो कभी पेड़ से आम तक नहीं चुराए, मणि क्या खाक चुराऊंगा। अब ये सीरियस ड्रामा सस्पेंस बनता जा रहा है। रुकिए बंदूकनी जी, हम जो ड्रामा कर रहे हैं वो फंटोश नगर के राजा राजा बलवीर पर रचा है। मेरी रिसर्च के मुताबिक ये मणि मुकुट से 200 साल पहले राजा के राज्य से चोरी हो गई थी। तो जब मुकुट में मणि 200 साल से है ही नहीं, तो चाचू इसे कैसे चुरा सकते हैं? प्रभतीजे, मन्ने तेरी रिसर्च पर पूरा भरोसा से, पर अफसोस कानून को सबूत चाहिए। काश हम आज से 200 साल पहले जा सकते और उस मुकुट से मणि चोरी होने का कोई सबूत ला सकते, तो आज मन्ने चाचा को गिरफ्तार नहीं करना पड़ता। कितना अच्छा प्ले है। रुको रुको रुको, मैं आप सबको 200 साल पीछे भेज सकता हूँ। ये देखिए, ये है मेरा नया आविष्कार, टाइम मशीन, जो आपको अतीत में आपके मन चाहे तारीख और समय पर ले जा सकती है। वाह खोजी अंकल, आपकी खोज का जवाब नहीं। अब मैं बंदूक निजी को अपने साथ समय में 200 साल पीछे ले जाऊंगा और ये साबित कर दूंगा कि मेरे चाचू ने चोरी नहीं की है। नहीं 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 नहीं, अगर चाचा भतीजा चले गए तो मेरे फाइनल ड्रामे का क्या होगा? चिंता मत कीजिए मिमिक्री अंकल, हम वक्त पर वापस आ जाएंगे। चिचे, ये क्या हो गया, यहाँ तो बाजी पलट गई। जाने दे ढोलकी, अतीत में लोग तीर तलवारों से बात करते थे, देखते हैं चाचा वहाँ जाकर बचता है या और फंसता है। बाय टाटा। रबावड़ी पूंछ, भैंस की पूंछ, हमारा सारा मेकअप खराब कर दिया। वाह, 200 साल पहले फंटूश नगर कितना शांत और सुंदर था। ओए रुको, ओ कोई तो आ रहा है और छुपना होगा, जल्दी। महाराज की जय हो, जय हो, राजकुमार की जय हो। चाचू, लगता है हमारे ड्रामे के कपड़ों को देखकर ये सैनिक हमें कोई राजा समझ रहे हैं। ओ चलो, ड्रामा करने का कुछ तो फायदा हुआ। पर ये बंदूकनी जी कहाँ चली गई? महाराज, आप क्या ढूंढ रहे हैं? ओए मुकुट की मणि और क्या? चाचू चुप रहो, फंसाओगे क्या? महाराज, मुकुट और मणि दोनों ही पीले तंबू में सुरक्षित हैं। ठीक है, अब आप जा सकते हैं। महाराज की जय हो, राजकुमार की जय हो।
ओए पतीजे, तू तो बेकार ही डर रहा था। देख, मेरे पूछने पर सैनिकों ने हमें मुकुट का पता भी बता दिया। 200 साल पहले फंटूश नगर में बड़े पले लोग रहा करते थे। सीधे पीले तंबू की ओर चलो, जल्दी काम खत्म करते हैं। इस मुकुट में तो मणि से तन्ने कहा था कि मणि चोरी हुई थी, हैं? अब तक चोरी हुई नहीं, पर अब होगी। सैनिकों, तुम सब उस तरफ तैनात हो जाओ और चौकन्ने रहना। शहंशाह, बादशाहों के बादशाह, फंटूश नगर के राजा राजा बलवीर सिंह और उनके भतीजे राजकुमार जयदेव सिंह पधार रहे हैं। गोलमाल गोलमाल, सब गोलमाल है भैया। गोलमाल गोलमाल, सब गोलमाल है। भूलो नहीं कि तुम एक साधारण बालक नहीं हो। क्षमा कीजिए राजा जी। दरबार शुरू किया जाए। बावड़ी पूछ, भैंस की पूछ, ओ यहाँ भी डंका ढोल की। डंका ढोल की? गुंडा जीजा जी, वो रहा मुकुट। गुटले, मुकुट से ज्यादा कीमती उसमें लगी हुई मणि है। हमने इस मणि को चुराने का बहुत इंतजार किया, आज वो इंतजार खत्म। मैंने कहा था ना, मुकुट से मणि 200 साल पहले चुराई गई थी और ये है वो दो चोर, पर हम इस चोरी को रोक सकते हैं। कानून के हाथ और बंदूक ने की लात से 200 साल पहले भी कोई ना बच सका था। कोई मुकुट चुरा रहा है, भगलो, भागने रह पाए। कोई 200 साल पहले भी सब मुझे चोरी समझ रहे हैं। इन लोगों को लग रहा है कि हम यहाँ मुकुट चुराने आए हैं। ये बहुत गुस्से में है, इस समय वो हमारी कोई बात नहीं सुनेंगे। अब एक ही रास्ता है, भागो। गद्दार, तुमने हमारे ही साथ रहकर हमसे गद्दारी की, पीठ पीछे वार किया, हम तुझे छोड़ेंगे नहीं। प्रधान जी, इसे कारावास में डाल दो। चोर, 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 चोर। हमारा पुश्तैनी मुकुट चोरी हो गया। सैनिकों, पकड़ो चोरों को। ये हमारे पीछे पड़ गए हैं, अब क्या करें? अब टाइम प्लीज। महाराज जी, अरे तुम लोग यहाँ क्या गोल गोल घूम रहे हो? चोर कहाँ है? अगर चोर निकल जाएंगे तो राजा जी गुस्सा हो जाएंगे। जाओ जल्दी करो। मैं बहुत गुस्सा हो जाऊंगा। जी महाराज। ओ भतीजे, अरे वो देखो। इधर भी राजा, उधर भी राजा,
हमारे दो राजा। तुम सबके सब निकम्मे हो। राजकुमार जयदेव वो रहे चोर, पकड़ो। ओए पतीजे अब क्या करें? ओए इनसे पीछा कैसे छुड़ाएं? इनका मुकुट लौटा दीजिए ताकि वो हमारा पीछा करना बंद करे। हैं? ये क्या, मुकुट में मणि नहीं है, पकड़ो उन्हें। ये क्या चीज है, सितारों की तरह चमक रही है। महाराज, राजकुमार दोनों कहाँ चले गए? जादू। बंदूकनी जी, हमें सबसे पहले खोजी अंकल से मिलना चाहिए। ये कौन सा राज्य है? इस वाहन में हम कहाँ आ गए? ये चाचा भतीजा कहाँ रह गए? अच्छा, तुम दोनों आज भी देरी से आए हो, अब जल्दी करो। उस्ताद, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमसे इतनी बदतमीजी से बात करने की? हम राजा हैं, राजा। वाह 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 वाह, आज तो चाचा बिल्कुल राजा के कैरेक्टर में आ गए हैं। आइए आइए राजा जी, मैं आपको दरबार ले चलता हूँ, आइए। राजा जी, अपना सीन शुरू करो एंड एक्शन। लगता है फिर अपना डायलॉग भूल गए। महाराज, एक गदार जेल तोड़कर भाग गया। अरे भल्ला जी, आप यहाँ क्या कर रहे हो? ये यहाँ कैसे? हमने तो इसे कारावास में डाल दिया था। गद्दार, तुम हमारी कैद से फरार कैसे हो गए? अरे चाचा, अभी तीर चलाने का वक्त नहीं हुआ, अभी तुम्हें और डायलॉग बोलना है। देख, मैं बोलता कम हूँ, करता ज्यादा हूँ, और लगता है तुम भी इस गद्दार के साथ मिल गए हो। मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। ओ चाचा, तू क्या तीर चलाएगा? चाचा, निशाना लगाओ, निशाना लगाओ। अरे इस बलवंत को अचानक क्या हो गया? लगता है कैरेक्टर में कुछ ज्यादा ही घुस गया है। सिपाहियों, वाह, चाचा ने क्या एक्टिंग की है, सच में राजा लग रहे हैं। मेरा सेट, मेरा ड्रामा, मेरा सपना, नहीं 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 नहीं, कोई रोको चाचा को। शाबाश भतीजे, तन्ने 200 साल पहले जाकर न सिर्फ चाचा को निर्दोष साबित किया, बल्कि गुंडा और गुंडी जैसे बदमाशों को भी मुकुट से मणि चुराने से रोक लिया। बंदूकनी जी, अब जब 200 साल पहले मणि चोरी हुई ही नहीं, तो फिर जो मुकुट हमारे पास है उसमें भी मणि आ जानी चाहिए। ओए भतीजे, मणि तो नहीं है। ओए भैंस की पूंछ। बंदूकनी जी, ये तो वही मणि है,
लगता है गलती से आपके साथ यहाँ आ गई। ओए अब आ ही गई है तो इस 200 साल पुरानी मणि को आज के मुकुट में लगा देते हैं। ये 200 साल पुरानी मणि है, इसीलिए ये सिर्फ 200 साल पुराने मुकुट में ही लगेगी, आज के मुकुट में नहीं। ओहो खोजी अंकल, ये तो बड़ी गड़बड़ हो गई। अब हमें वापस 200 साल पहले जाकर इस मणि को उस मुकुट में लगाना होगा। लेकिन भतीजे, टाइम मशीन में कुछ तकनीकी खराबी आ गई है, उसे ठीक करने में कुछ समय लगेगा। तब तक ये मणि तुम अपने ही पास संभाल कर रखो और बंदुकनी जी आप ये मुकुट संभालिए। रुक जा गद्दार। कहाँ गया वो गद्दार? अरे तुम्हें तमीज नहीं है, टकराते जा रहे हो, हम महाराज हैं। महाराज, ये वाहन घोड़े के बिना कैसे चल रहा है? क्यों ना हम भी अपने लिए एक ऐसा ही वाहन ले आए? नहीं नहीं, ऐसे ही एक अजीब वाहन में फंसकर हम इस अजीबोगरीब नगरी में पहुंच गए। अब मैं किसी और वाहन के चक्कर में नहीं फंसना चाहता, समझे? जी महाराज, समझ गया। अच्छा राजा जी, उस गद्दार से लड़ने में आपकी ये मोती की माला टूट गयी। देखिए सामने ऐसी ही एक मोती की माला दिख रही है। चलिए आपकी माला भी ठीक करवाते हैं। गोलमाल गोलमाल सब गोलमाल है। पर ये चाचा भतीजा राजा राजकुमार के भेष में क्या कर रहे हो? अब लगता है इन्हीं कपड़ों में दिखाई देंगे बाबा। आओ आओ, कैसे आना हुआ? हमारी ये माला टूट गई है, इसे जरा ठीक कर देना। हाँ भाई, जरूर जरूर लाओ। गोलमाल गोलमाल, अरे सब गोलमाल है। हमें ये मोती की माला पसंद आई, हम इसे पहनेंगे। ओ, ओ, ओ चाचा अभी भी राजा के कैरेक्टर में है। हाँ ये लीजिए इस माला का बिल। ओ, कहाँ चले गए? लगता है जल्दी में थे। ठीक है, चाचा भतीजा से तो मैं कभी भी पैसे ले सकता हूँ। गोलमाल गोलमाल सब गोलमाल है। ओ भैया गोलमाल गोलमाल सब गोलमाल है। ये चाचा भतीजा इतनी जल्दी कपड़े बदल कर आ गए। इतने साल हो गए शादी को, पहली बार ये मुझे कोई तोहफा देने वाले हैं। ओए गरीब दास, वो कोई सस्ती सुंदर और टिकाऊ माला दिखा देना। चाचा पहले ये बिल के पैसे तो भरो। ओए अभी तक तो हमने कुछ खरीदा ही नहीं, अब क्या तू अपनी दुकान में बैठने के भी पैसे लेगा? अरे क्यों मजाक करते हो चाचा, ये तो उस मोती माला का बिल है जो अभी अभी आप यहाँ से ले गए। सिर्फ 10 लाख रुपए ही तो है। हाँ। क्या 10 लाख? फिर ये 10 लाख की माला किसके लिए है? अब मुझसे कभी बात मत करना। पैसे तो आते रहेंगे भतीजे, मैंने तेरी टूटी मोती माला को ठीक कर दिया, इसे ले जा। बिना घोड़े वाला वाहन तो ठीक था, पर यहाँ तो उड़ने वाले वाहन भी हैं। बड़ी अजीब जगह है, हमें जल्द से जल्द यहाँ से निकल जाना चाहिए। गर्मी में आइसक्रीम खाओ, मस्त हो जाओ। हमें यहाँ पर सावधान रहना होगा, वो गद्दार तो भाग गया पर उसके लोग हम पर कभी भी छुपकर हमला कर सकते हैं। ये आदमी इस डिब्बे से क्या निकल रहा है, कहीं कोई हथियार तो नहीं? भाई साहब ये कोई हथियार नहीं, खाने की चीज है। हाँ।
तो बड़ा ही स्वादिष्ट है। आप भी चक्कर देखिए राजा जी। नहीं, इस अजीबोगरीब राज्य की चीजों से दूर रहना ही भला है। मैं कहीं से किसी घोड़े का इंतजाम करता हूँ ताकि और चलना न पड़े। देखिए महोदय, हमें ये घोड़ा चाहिए। क्या? आज मेरी शादी है, मैं तुम्हें ये घोड़ा नहीं दे सकता। शादी मुबारक हो, मेरी तरफ से तुम्हें ये शादी का तोहफा। ओए भतीजे किधर है? ओए क्या पार्टी चल रही है, वो भी मेरे बिना? पर मैंने तो आपसे पूछा था, आप ही ने मना किया। ओए मैंने कब मना किया? अच्छा, शेयर नहीं करने के बहाने टूट रहा है, कोई नहीं। पर ये तो बता, ओए तूने ये राजकुमार वाले कपड़े वापस क्यों पहन लिए? मैंने कपड़े बदल लिए या आपने? आपने तो कहा था इस अजीब गरीब राज्य की चीजों से दूर रहूंगा। और ये वाहन, जब मैंने कहा तो आपने मना कर दिया और अब खुद यहाँ का वाहन ले आए। पोशाक, वाहन? ओ ये तू क्या कह रहा है पतिजे? ओ पतिजे नाटक से बाहर आ। पहली बार राजा जी ने मुझे भतीजा कहा। जो भी हो, मुझे आपका ये नया रूप बहुत पसंद आया राजा जी। ओए राजा सिर्फ नाटक में, यहाँ मैं तेरा चाचू हूँ, अब चले। ठीक है चाचू। अरे मेरे पैसे तो देते जाओ, 10 आइसक्रीम के 100 रुपए हुए हैं। 10 आइसक्रीम? ओए लॉलीपॉप के बाद तुझे आइसक्रीम का नया शौक कब से लग गया? लॉलीपॉप? ये लॉलीपॉप क्या होती है, बताओ ना चाचू। अच्छा, अब तू लॉलीपॉप लेने के बहाने ढूंढ रहा है। ओए तू तो बड़ा मस्ती कर रहा है। ओ चलो कार चलते हैं, चाची को भी तो मनाना है। मुझे ये वाले राजा जी मतलब चाचा जी बहुत पसंद आए। अरे वो रहा जो हमारा घोड़ा लेके भाग गया। पकड़ो पकड़ो उसे। अरे पकड़ो 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 उसे पकड़ो। ओए भतीजे, आज तो तू कुछ ज्यादा ही मस्ती कर रहा है। सब गोलमाल है, अमैया गोलमाल गोलमाल। चाचू घोड़े पर और इन ड्रामों के कपड़ों में? चाचू ये क्या हाल बना रखा है आपने? पहले तुम बताओ, तुमने ये क्या हाल बना रखा है? मैंने तुमसे कहा था इस राज्य की अजीबोगरीब चीजों से दूर रहना, तुमने तो यहाँ की वेशभूषा ही अपना ली, हमारे राजशाही कपड़े त्याग दिए। लगता है चाचू के सिर पर सच में ड्रामा का भूत सवार हो गया है। सब चाचू से कहते थे कैरेक्टर में आओ, और अब चाचू कुछ ज्यादा ही कैरेक्टर में आ गए हैं। मुझे चाचू को घर ले जाना होगा। चलो चाचू घर चलते हैं। चाचू बस राजा कहो, हम भले ही तुम्हारे चाचा हैं, पर उससे पहले हम फंटोश नगर के राजा हैं। और ये बताओ, तुमने इस अनजान नगरी में इतनी जल्दी हमारे लिए घर कैसे ढूंढ लिया? सब बताता हूँ, आप बस मेरे साथ चलिए। मैं तुम्हारे साथ नहीं, तुम मेरे साथ चलोगे। आराम से चाचू। बातें राजाओं वाली और बर्ताव कंजूस वाला, सस्ती माला दिलाएंगे, आने दो इन्हें घर, ठीक करती हूँ। मैं हमेशा चाहती थी कि मेरे पति राजा की तरह घोड़े पर आए, बहादुर शूरवीर, और मुझे रानी की तरह ले जाए। लगता है आज मेरा सपना सच हो गया। एक मिनट, आइए
राजा जी, आपका इस छोटी सी कुटिया में स्वागत है। कुटिया छोटी जरूर है, पर हम काम चला लेंगे। वैसे तुम कौन हो, हमारी नई दासी? अगर आप राजा हो तो मैं आपकी दासी ही सही। अब ये चाची को क्या हुआ, ये कौन से नाटक में पार्टिसिपेट कर रही है? तो जाओ, हमारे लिए कुछ खाने को ले आओ, हमें बहुत भूख लगी है। जी महाराज, ये लीजिए। ओह, मैं चाकू लाना तो भूल ही गई। जब मेरे पास तीर है तो चाकू की क्या जरूरत। चाचू तो पूरी तरीके से कैरेक्टर में फिट हो गए। पीला, नीला, हरा, गुलाबी, कितने मजेदार रंग है। राजा जी मुझे डांटेंगे। भतीजे, ये क्या कर दिया, रंगों का मिश्रण। मजा आ गया। चल ठीक है, और रंग बिरंगे मिश्रण तैयार करते हैं। आजा। राजा जी गुस्सा नहीं हुए, इस नए राज्य ने राजा जी को खुश मिजाज बना दिया है। बलवान, क्यों मेरी जान के पीछे पड़े हो? पहले धनुष बाण से वार और अब ये विस्फोट। तुम्हारी 3 महीने की सैलरी काट काट काट। क्या धनुष बाण? मैंने कब धनुष बाण चलाए? अच्छा, अब भोले बनने का नाटक कर रहे हो। राजा जी, ये तो वही गद्दार है, इसे दंड मिलना चाहिए। हमला। बलवान, तुम भूलने का नाटक कर रहे हो, पर इस भतीजे को तो सब याद है। अब बोलो। बलवान, अब तो तुम्हारी नौकरी गई। ओए पल्ला जी, मेरी बात तो सुनिए। भतीजे, ये तूने क्या कर दिया? चलो अब उस गद्दार को ढूंढते हैं। मेरा घोड़ा कहाँ है? घोड़े। ओ शीला, बड़ी भूख लगी है, जल्दी से कुछ खाने को ले आ। अभी तो इतने फल खाए थे, लगता है धनुष चला चला कर थक गए होंगे। आपने वो राजा के कपड़े क्यों बदल दिए? कितने सुंदर लग रहे थे आप उनमें। और अब भतीजे, तूने राजकुमार के कपड़े पहन लिए। राजकुमार हूँ तो राजकुमार के ही कपड़े पहनूंगा ना, पर आप कौन हैं? है? खाली पेट तू अपनी चाची को भूल गया? ओ शीला, तू फल खिला। अब ऐसे नहीं, पहले की तरह तीर से फलों को काट के खाओ। तीर से फलों को काटूं, ये कैसी अजीब फरमाइश है? वो ठीक है, 10 लाख की मोटी माला की फरमाइश से तो बेहतर ही है। ठीक है, कोशिश करता हूँ। बहादुर जीप भगा, ये दोनों चोर आज हाथ से ना निकले। चीचे, अगर हम साथ साथ रहे तो पकड़े जाएंगे, अलग अलग और भागते हैं। तुम उस तरफ जाओ, मैं इस तरफ जाता हूँ। वो
ओए भतीजे, ओए हमें चोर को पकड़ने में बंदूकनी जी की मदद करनी होगी। ये लो रोलर स्केट्स और दिखा दो अपना कमाल। ये कैसे पहिए हैं? इस राज्य की सारी चीजें बड़ी अजीब है। ओए भतीजे क्या कर रहा है, ओए जल्दी कर। ओए वाह भतीजे, क्या दिमाग लगाया है। हाँ, मैंने दिमाग लगाया है। काश मेरे पास मेरे रोलर स्केट्स होते तो मैं इस चोर को अभी पकड़ लेता। ये स्केट वेट क्या होता है, तुम राजकुमार हो, मेरा धनुष लो और तीरों के जाल में फंसा दो उस चोर को। नॉट अ बैड आइडिया, कोशिश करके देखता हूँ। अच्छे राजकुमार, बड़ी होशियारी से काम लिया तुमने। मुझे तो उन चाचा भतीजे ने पकड़वाया, लेकिन तुम तो भाग सकते थे। क्या बकवास कर रहा है, चाचा भतीजे ने तो मुझे पकड़वाया। हर बार की तरह इस बार भी चाचा भतीजा ने चोर को पकड़ने में हमारी मदद की। क्या कह रहे हो मैडम जी, चाचा भतीजा ने तो मेरी मदद की। क्या बकवास कर रहा है। तुम दोनों चुप हो जाओ, पहले हमें अपना झगड़ा खत्म करने दो। गोलमाल गोलमाल सब गोलमाल है, गोलमाल गोलमाल सब गोलमाल है। मैं या तू? आप मैडम जी। मन ने समझाएगा तू है? नहीं, लेकिन मैडम जी बात को समझो ना। रे मैं पहले से ही बहुत ज्यादा समझदार हूँ। नहीं लेकिन मैडम जी, जब मैं कह रही हूँ कि मेरी मदद की है तो ओए भतीजे जलेबी खाएगा। ओए ओए भतीजे, ओए कहाँ चला गया मणि? चलो ऊपर चलो राजकुमार। ओ, 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 बचाओ ओ राजकुमार, राजकुमार भतीजे, भतीजे बचाओ। ओए भतीजे, ओए कहाँ चला गया? चाचू आप कहाँ हो? ओए
मैं तो मॉल रोड पे हूँ और तू ही स्केट करते हुए आगे निकल गया। हाँ? दो चाचू। चाचू आप वहीं रुको, मैं अभी आया। कुछ तो गड़बड़ जरूर है, मुझे पता लगाना होगा। महाराज। अरे वाह राजकुमार जयदेव, आखिर फंटूश नगर के राजा बलवीर की मोती माला ठीक करवा दी। शाबाश राजकुमार जयदेव। राजा बलवीर, राजकुमार जयदेव, यानी ये 200 साल पहले के फंटूश नगर के राजा हैं, जो हूबहू चाचू की तरह दिखते हैं, और शायद राजकुमार भी हूबहू मेरी ही तरह दिखता होगा। लगता है ये टाइम मशीन में हमारे साथ यहाँ पहुँच गए। राजा जी आप यही रुकिए, मैं अभी आया। ये रहा चाचा। जीजे ये चाचा नहीं, उसका हम शक्ल है। याद है भतीजे ने कहा था मुकुट से मणि 200 साल पहले निकली थी। लगता है ये 200 साल पुराने राजा हैं, जो उस खोजी के टाइम मशीन से यहाँ आ गए। चाचा भतीजा जरूर उस मणि के बारे में जानते होंगे। अगर हमें उस मणि तक पहुँचना है तो इस राजा को और उसके राजकुमार को चाचा भतीजे से भिड़ा देना चाहिए। सेनापति गुंटा गुटली, तुम दोनों इस नगरी में कैसे? हाँ, हम वो आपकी मदद करने आए हैं महाराज। क्या आप कुछ ढूंढ रहे हैं? मैं तो वो मणि ढूंढ रहा हूँ जो मेरे मुकुट से निकल गिरी। महाराज हम जानते हैं आपकी मणि कौन ले गया है। तो ये है राजकुमार जयदेव, जो हूबहू मेरी तरह दिखता है। मेरा हम शक्ल। ओए भतीजे, ओए तेरे दो चाचा। ओए ये क्या, यहाँ तो भतीजा भी दो है। ओए कमाल हो गया, ओए मजा आ गया। दो राजकुमार जयदेव। ओए पंडूश नगर के गुंडो, अब तुम्हें कोई नहीं बचा सकता। अब एक नहीं, दो चाचा भतीजा तुम्हारा मुकाबला करेंगे। राजा जी, इन दोनों ने आपके हमशक्ल होने का गलत फायदा उठाया और आपकी मणि चुरा ली। क्या मणि तुमने चुराई है? ओए मणि तो हमारे पास ही है, पर हमने चुराई नहीं है। देखा राजा जी, मैंने कहा था ना मणि इन्हीं के पास है। नहीं रुको, कुछ गलतफहमी हुई है, मैं समझाता हूँ। महाराज इनकी चिकनी चुपड़ी बातों में मत आइए, ये आपको गुमराह करेंगे। तुम्हारी इतनी हिम्मत के हमारी मणि चुराओ। राजकुमार जयदेव हमला। जब मणि राजा के हाथ आएगी तो हम उसे चुरा लेंगे। ये डबल रोल के चक्कर में हम कहाँ फंस गए। जाने ना पाए। रुक जाओ। हाँ
भागेंगे नहीं तो राजा और राजकुमार हमारी चटनी बना देंगे। ओए, ओए ये तू क्या कर रहा है भतीजे? भतीजा नहीं, राजकुमार जयदेव, और मैं बनाऊंगा आपकी चटनी। यहाँ किसकी प्रतीक्षा कर रहे हैं? उठो राजकुमार जयदेव और पकड़ो उन चोरों को। ये तो राजा बलवीर हैं और मुझे राजकुमार जयदेव समझ रहे हैं। मुझे राजकुमार बनने का ही नाटक करना होगा। राजा जी वो रहे चाचा भतीजा, आप जरा उस भतीजे का मुकाबला कीजिए, वो जरूरत से ज्यादा ही होशियार लगता है। इस चाचा को तो मैं संभाल लूंगा। ऐसा वार तो सिर्फ राजा जी ही कर सकते हैं। राजा जी मैं राजकुमार जयदेव हूँ। तू अब हमें और गुमराह नहीं कर सकता, मैं तेरी बातों में नहीं आने वाला। बता मेरी मणि कहाँ है? मेरा यकीन मानिए राजा जी, ये मैं ही हूँ। ओए मैंने कुछ नहीं किया, ओए मुझे छोड़ दे। चाचू ये आप क्या कर रहे हैं? उठिए मैं हूँ आपका भतीजा। ओए नहीं नहीं मुझे डर लग रहा है, तू अभी कहेगा तू भतीजा है फिर तू राजकुमार निकला तो। ओफो चाचू। अच्छा आंटी कलंटी तो भतीजा ही जानता है ना? ओए हाँ आंटी कलंटी। आंटी कलंटी चक्कर लग गए। मैं हूँ चाचू। तू ही मेरा भतीजा है, भतीजे के होते चाचा को कुछ नहीं हो सकता। ये तो सुन ही नहीं रहे हैं। ऐसी तलवारबाजी तो सिर्फ राजकुमार ही कर सकता है। इस डंका ढोल की नहीं हमें फंसाया, अब देखना कैसे राजा राजकुमार के हाथों इनकी पिटाई करवाता हूँ। अगर तुम उन चाचा भतीजा से मणि लाने में हमारी मदद करो तो हम तुम्हें ऐसी कई मणियों से मालामाल कर देंगे। ये सौदा अच्छा है, हम अभी उन चाचा भतीजे से मणि लेकर आते हैं। अरे कहाँ गए ये लोग? बहुत हो गया, अब तुम्हारा खेल खत्म, तुम हमसे बच नहीं सकते। अच्छा तो गुंटा गुटली भी इनके साथ मिल गए। राजा बलवीर को धमकी देता है। चलो अब उन मणि चोरों को पकड़ते हैं। डूडड़ी डांडड़ी डांडा डूडू डेडे डांडी हेलो खोजी अंकल, मेरी बात ध्यान से सुनिए। भतीजे ओए भतीजे तू कहाँ चला गया? ये राजा जी नहीं, ये तो चाचा है, मुझे भतीजा बनने का नाटक करना होगा। चाचा मेरी मदद कीजिए,
मेरा पैर यहाँ फंस गया है। ओए भतीजे, ओए मैं अभी आया, तू घबरा मत। ओए मैं तंग आ गया हूँ भागते भागते। आखिर हमने क्या गलत किया है? हम तो फंटूश नगर के राजा बलवीर का भला ही चाहते थे, वरना हमें क्या जरूरत थी अपनी जान पर खेलकर उनके मुकुट से मणि को चोरी होने से बचाने की। और चोरी कर कौन रहा था? उन्हीं के सेनापति गुंटा गुटली। हाँ, मणि हमारे पास है, पर हमने उसे चुराया तो नहीं है ना? वो तो गलती से यहाँ आ गई। रुक जाओ बहरूपिये। रुक जाइए महाराज। रुकिए राजा जी, अब मुझे सारी बात समझ आ गई है। चोर चाचा भतीजा नहीं, बल्कि हमारे ही सेनापति गुंडा गुटली थे। अगर ऐसा है तो हमारे मुकुट की मणि कहाँ है? ये रही आपकी मणि। अब तो आपको यकीन हो गया ना कि हमने चोरी नहीं की। चाचा भतीजा, टाइम मशीन ठीक हो गई है। अब तुम दोनों समय में 200 साल पीछे जा सकते हो। अरे खोजी अंकल, हम यहाँ हैं। ओहो, क्या? यानी हम समय में 200 साल आगे आ गए? हमें तो 200 साल पुराना फंटूश नगर बहुत पसंद आया। आपको ये नया फंटूश नगर कैसा लगा? बहुत सुंदर। आहा, मुझे मेरी मणि वापस मिल गई। शुक्रिया चाचा भतीजा। जिसके नसीब में जितना है उसे उतना ही मिलेगा। ये मणि हमारे हवाले कर दो, वरना कोई नहीं बचेगा। भागो! कहाँ चले गए वो? राजा जी, राजकुमार, जल्दी से उस टाइम मशीन की ओर भागो और अपने राज्य वापस चले जाओ। तू हमको रोकेगा? ओ चाचा भतीजा, वो मणि हमें लेने से कोई नहीं रोक सकता। क्या हम 200 साल पीछे आ गए? 200 साल पुराने फंटूश नगर में भी बंदूक नहीं थी क्या? हमसे पंगा लेने का होगा बुरा नतीजा। बड़े बड़ों की छुट्टी कर दें, चाचा और भतीजा। ढोलकी, ये तो चाचा भतीजा है। तो राजा और राजकुमार कहाँ हैं? मुझे पता था डंका ढोलकी, तुम दोनों मणि के लिए राजा और राजकुमार का पीछा जरूर करोगे। इसलिए मैंने खोजी अंकल को फोन करके ये नकली टाइम मशीन यहाँ रखने को कहा। तुम दोनों हमारा पीछा करके यहाँ पहुँचे और वहाँ असली राजा और राजकुमार असली मणि के साथ खोजी अंकल की लैब में असली टाइम मशीन के अंदर बैठ कर अब 200 साल पीछे चले जाएंगे। ये मणि अपनी जगह पर पहुँच गयी। बुरे काम का बुरा नतीजा। क्यों भाई चाचा? अरे हाँ भतीजा।